नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को लेकर एक बार पुनः हाजिर हैं। हमने आपको दिखाया कि इस क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे जेईई मेंस की परीक्षा हो, हर परीक्षा में अब यहाँ के बच्चे तेजी के साथ निकल रहे हैं। क्षेत्र के बच्चे हरकार निकलते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं छात्र, इन्होंने जेईई मेंस का जो परीक्षा होता है उसका परिणाम आ जाया है, इसको इन्होंने पास किया है। आज हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप अपने बच्चों को तैयारी कैसे करा सकते हैं और जेईई मेंस में कैसे आपका बच्चा हिस्सा ले सकता है। भैया, क्या नाम है आपका? अनमोल अग्रहारी। कहाँ रहने वाले हैं आप? कुरहा पट्टी दरिया। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। आपने हाई स्कूल कहाँ से पढ़ा? आर डी सरमाउंट। और इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट टेक्सास विद्यापीठ। कितने परसेंट अंक आए थे? बोर्ड 10th 90% है। तो हम ये जानकारी चाहेंगे कि आपकी जो ये मिली है सफलता, कितनी बार आपने प्रयास किया था? पहली बार है। पहली बार आया। कितने परसेंट अंक आए हैं? 98% आए हैं। कितना घंटा आप पढ़ते थे डेली का? स्कूल में पहले 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल चलते थे, फिर घर पे आने के बाद 4 घंटा पढ़ते थे। खाना वाना चलता, सो जाना, वही सब रोज का रूटीन रहता था। अच्छा, ये यहाँ से आपके घर से और जहाँ पढ़ते थे, यहाँ की दूरी तो अधिक है, आप कैसे आते जाते थे? साइकिल से आते जाते थे पहले, फिर उसके बाद मेरी बहन का भी नाम लिखाया उठा तो मैं साथ में एक स्कूटर साथ, दोनों लोग साथ में जाते थे। आपने देखा है कि यह बच्चा लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके और साइकिल से पढ़ने जाते थे और पढ़ करके इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, मेरे इलाके का नाम रोशन किया है, ना रिश्तेदारों का नाम इन्होंने रोशन किया है। जो हमारे अभिभावक बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ये बच्चे करेंगे, काम करेंगे। ये बताइए कि अगर हमारे जो छात्र हैं इस क्षेत्र में जाना चाहें, जेईई मेंस की परीक्षा देना चाहें, उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए? जेईई मेंस की परीक्षा देने के करना है तो आप लोग जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए। और जो एक्स्ट्रा बुक्स लिए उसके लिए आते थे, ऐसे एससी वर्मा फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए भी सिंगेज और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लिए भी बुक्स हैं। हम आपको रोक रहे हैं कि जो बताइए उनको कि यहाँ पर 2 मीडियम के विद्यालय होते हैं, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम। तो इस क्षेत्र में जाने के लिए हिंदी मीडियम जरूरी है कि इंग्लिश मीडियम जरूरी है? पेपर दोनों में होता है। तो इसका कोई अंतर नहीं है? तो देखिए, इनका कहना है कि इसका कोई अंतर नहीं है, पेपर जो है हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो भैया जी, आप बताइए कि आप किस रिश्तेदार हैं और बड़ी परीक्षा इन्होंने पास किया है? ये मेरा भांजा है जिससे ये परीक्षा पास किया, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है इसके ऊपर। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो अभी मेंस एडवांस होने वाला है उसमें भी ये जो है अपना परचम लहराएगा और जिले का भी नाम रोशन करेगा। अब हम मिलते हैं इनकी माता जी से, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी आइए, एक शब्द का लिए ये बताइए कि जब आपका बेटा है या मेरा बेटा है, जब कोई परीक्षा पास करता है और जब लोगों के फोन आने शुरू होते हैं तो बड़ी बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। तो हमारे अभिभावक उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें? जी, हताश ना हो, उनका सहयोग करें, अच्छा उनका मार्गदर्शन करें। तो देखिए, आपने देखा है कि हमारे गांव की प्रतिभाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसकी देन है कि अभिभावक जो है लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बच्चों को निराश मत होने देना। अगर बच्चा कहीं अकाल नंबर से फेल भी हो रहा है तो उसे उसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और निश्चित तौर पर आपके बच्चे अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। आज के लिए बस यही तक, नमस्कार, धन्यवाद।